बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सभी उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं सारस्वत अतिथि के रूप में आदरणीय इस विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति भी आ रहे हैं, विशिष्ट अतिथि के रूप में इस परिक्षेत्र के आदरणीय सांसद जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आदरणीय कुल सचिव जी से मेरा अनुरोध है कि वह सभी अतिथिजन को सीधे मंच पर ले आएं और सभी अतिथिजन अपना अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। इस शौर्य भूमि पर अवस्थित बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के 49वें स्थापना दिवस पर विश्वविद्यालय परिवार दो रो है वो वीवीआईपी के लिए रिजर्व है। अगर ऐसी परिस्थिति बने कि बाहर के अतिथिगण को स्पेस न मिले तो पहली दो लाइनों में जो लोग बैठे हैं कृपया उनको स्थान देने का कष्ट करें। सभी लोगों से यह भी निवेदन है कि अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड या स्विच ऑफ मोड पर रखें ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो। विद्वान सारस्वत हनुमंता बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। निश्चित ही आज ईश्वर की असीम अनुकंपा एवं यह विश्वविद्यालय जिनकी गोद में स्थित है, हमारे उल्टे हाथ पे एक सुंदर सा एक पहाड़ है, वो पहाड़ पर माँ केमासन देवी उपस्थित हैं। उनके आशीर्वाद से, उनके शुभ आशीर्वाद से, शुभकामनाओं से ये बुंदेलखंड विश्वविद्यालय पिछले 48 वर्षों से लगातार तरक्की कर रहा है। और आज स्थापना दिवस के इस अवसर पर हमारे मध्य इसकी शोभा बढ़ाने हेतु एक, जब हम उत्तर प्रदेश और भारत में राजनीतिज्ञों की बात करते हैं तो कुछ दिग्गज राजनीतिज्ञों का नाम सामने आता है जो टिप्स पे आता है। एक कुशल प्रशासक, विज्ञान विद्वान, दूरदर्शी सोच के धनी, वित्त नियंत्रण के मर्मज्ञ एवं राष्ट्रवादी सोच के पुरोधा परम आदरणीय सम्माननीय माननीय इस विश्वविद्यालय में अटल श्रृंखला 2023 अर्थात विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में उनके पुरातन छात्र छात्राओं की व्याख्यान श्रृंखला 1 सितंबर से 30 सितंबर तक आयोजित होनी है, जिसका उद्देश्य विभिन्न विभागों के छात्र छात्राओं की सहभागिता के साथ संवाद स्थापित किया जाना है। इस पोस्टर को विमोचित होना है। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि पोस्टर को विमोचित करने की कृपा करें। यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस पे बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मैं पूर्व छात्र रह चुका हूं, यहां पे मंच पर आसीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल परमादरणीय श्री प्रताप शुक्ल जी का वीरांगना की धरती पर फोन की स्टोरेज भर जाएगी ना, झलकारी भाई की धरती पर, जी गुलाम गौस खान की धरती पर, क्रांतिकारियों के गुरु मास्टर रूद नारायण, क्रांतिवीर भगवान दास महौर, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, उपन्यास के सम्राट हमारे वृंदावन लाल वर्मा,
जी और हॉकी के मेरे दत्ता जादूगर ध्यानचंद जी की धरती पर आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत है, नमन है। यहाँ पर हम सबके मार्गदर्शक और हर चीज में हमको सहयोग देने वाले और बुंदेलखंड में शिक्षा को आगे बढ़ाने वाले हमारे परम आदरणीय वीसी साहब पांडे जी, मेरे पूर्व वीसी जिनका बहुत योगदान रहा हमारी यूनिवर्सिटी को, आपने यहाँ पर इतने सारे डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करे और आपका उस समय मुझको हमेशा स्नेह और मार्गदर्शन मिलता रहा। प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे जी, श्रीमती राजपाल महोदया जी, श्रीमती दुबे जी, आदरणीय कुलपति जी के माताजी और पिताजी, आपको नमन और प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आप सभी को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना के सफलतापूर्वक 48 वर्ष पूर्ण होने पर हम सभी विश्वविद्यालय का 49वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, इस हेतु हम यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। इसी स्थापना दिवस के अवसर पर भारत सरकार के द्वारा जो एक क्रांतिकारी शिक्षा नीति बनाई गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके तहत एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता का विकास कैसे किया जाए, उस पर एक संगोष्ठी भी आयोजित की गई है। आज जो स्थापना दिवस है उसमें हम पूरे भारत के यदि प्रदेशों के बारे में कल्पना करते हैं, सपना देखते हैं, घूमने का प्रयास करते हैं, तो टॉप 2 या 3 में नाम आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जब हम लाते हैं, सुंदर वादियां, सुंदर पहाड़, सुंदर झरने का हमको दिखाई देता है, और हम सबके बीच सापत्नीक हमारे आदरणीय परम आदरणीय महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश श्री शिव प्रताप शुक्ल जी का हम हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। आपके साथ ही बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं सिद्धार्थनगर के पूर्व कुलपति मेरे बड़े भाई परमादरणीय सुरेंद्र दुबे जी का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। झांसी एवं ललितपुर लोकसभा क्षेत्र के अत्यंत लोकप्रिय, अत्यंत मृदुभाषी और सहयोगी, हर समय उपलब्ध, लोगों की समस्याओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले आदरणीय श्री अनुराग शर्मा जी, माननीय सांसद झांसी ललितपुर क्षेत्र। उसी के साथ मंच पर उपस्थित हमारे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुल सचिव, वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक,
आज इस सभागार में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में आदरणीय भाभी जी श्रीमती राज्यपाल महोदया का भी हम स्वागत करते हैं कि आपने यहाँ उपस्थित होकर हम सबको आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। हम स्वागत करते हैं माननीय सुरेंद्र जी की, धर्मपत्नी जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका भी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में स्वागत है। मेरे आदरणीय माता पिताजी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। झांसी शहर के विभिन्न समाजसेवी संगठनों के पदाधिकारी, विभिन्न अधिकारीगण, प्रशासन के विभिन्न अधिकारी, विश्वविद्यालय के विभिन्न डीन्स, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण एवं आज जिनके लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के छात्र एवं छात्र छात्राएँ, पुनः अभी को सभी को स्थापना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सभी के आशीर्वाद एवं स्वेच्छाओं से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की, आप लोग समझ सकते हैं कि राज्यपाल महोदय कितना एक संवेदनशील और कितना व्यस्तताओं वाला एक पद है। उसके बाद भी आदरणीय भाई साहब ने हमारे निवेदन को जो कि हमने माननीय सुरेंद्र दुबे जी के माध्यम से किया था उसको स्वीकार किया और हम सब लोगों के बीच सपत्नीक उपस्थित होकर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आज हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे देश को प्रस्तुत करते हैं जो वासुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया की भावना को संपूर्ण विश्व में प्रसारित कर रहा है। हम सभी को गर्व है कि हम एक ऐसे देश को प्रस्तुत करते हैं जहाँ के उद्देश्य की प्रतिपूर्ति पूर्ण जतन हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में निरंतर भारत अग्रसर हो रहा है। हम उस मनोवृत्ति से बाहर हैं जहाँ सिर्फ स्वयं का लाभ, स्वयं की सफलता, स्वयं का उत्कर्ष देखा जाता है। हम सभी की सुख शांति और प्रगति की प्रार्थना करते हैं। हम सबको पिछले 7 दिन में पुनः ये गर्व का अनुभव प्राप्त हुआ। जब ऐसा माना जाता है कि जब हम सो जाते हैं तो कोई व्यक्ति आके हमको झकझोरता है, नींद से उठाता है और ये बोलता है कि आप भारत माता की धरती पर हैं, भारत के उन 140 करोड़ वासियों में से हैं और आपको गर्व करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह अवसर को व्यापक बनाता है। पूर्व में भारत देश की तुलना एक गजराज से की जाती थी, ऐसा माना था कि भारत एक सोने की चिड़िया है, विशाल का देश है, पर यह माना जाता था कि भारत आगे कब उठेगा, दौड़ेगा कब। निश्चित ही हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय राज्यपाल महोदय के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में अब प्रदेश भी दौड़ रहा है। देश आज विश्वविद्यालय के 49 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 50वें वर्ष में हम आज प्रवेश कर रहे हैं स्वर्ण जयंती वर्ष के प्रवेश के अवसर पर। इस स्थापना दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के महामहिम माननीय राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल जी हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय मुख्य अतिथि के रूप में। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। विश्वविद्यालय परिवार आपको पाकर बहुत गदगद है, आह्लादित है कि इस शुभ अवसर पर आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। पूरा विश्वविद्यालय परिवार आपका स्वागत अभिनंदन करता है। आपके साथ श्रीमती राज्यपाल भी मौजूद हैं, हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। माननीय शुक्ल जी राज्यसभा के सचेतक रहे हैं, माननीय मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं और कुशल संगठनकर्ता के रूप में विख्यात रहे हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसे महानुभाव को हम पाकर बहुत ही प्रसन्न और आह्लादित हैं। विश्वविद्यालय हर्ष का अनुभव कर रहा है और इस स्वर्ण जयंती वर्ष के शुभारंभ पर आपकी उपस्थिति हमें बहुत गौरवान्वित कर रही है।
आपका हृदय से हम स्वागत करते हैं। विश्वविद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता है। हमारे बीच माननीय विशिष्ट अतिथि हमारे क्षेत्र के झांसी ललितपुर के सांसद श्री अनुराग शर्मा जी उपस्थित हैं, जो हमारे पुरातन छात्र भी हैं। विश्वविद्यालय आपका है और आपको अपने बीच खुद के मंच पर पाकर हम बहुत ही हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। विश्वविद्यालय परिवार बहुत ही गौरव महसूस कर रहा है। जब भी विश्वविद्यालय को आवश्यकता होती है आप तत्पर रहते हैं, हम आपको हमेशा पाते हैं और आपका स्नेह बहुत रहा है विश्वविद्यालय में, तमाम मामलों में, तमाम मुद्दों में, तमाम समस्याओं में, और जहाँ कहीं भी सहयोग की आवश्यकता हो रही है वहाँ आप खड़े हैं। और आपका अपना विश्वविद्यालय है, आपके अपने विश्वविद्यालय में हम आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच माननीय सरस्वत अतिथि के रूप में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान, नाटककार, गद्यकार और प्रकांड विद्वान देश में विख्यात हैं, आपके आशीर्वाद से, आपके उद्बोधन से हम लोग बार बार अभिषिक्षित होते रहे हैं। आपका स्नेह सदैव विश्वविद्यालय पर रहा है। जब भी आपको हम याद करते हैं आप विश्वविद्यालय के लिए सदैव खड़े रहे हैं। आपकी उपस्थिति इस विश्वविद्यालय को शक्ति देगी, गौरव पद प्रदान करेगी। हम सभी गौरवान्वित हैं, हम सभी बहुत आह्लादित हैं कि आप हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका बारंबार स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बीच माननीय कुलपति जी, जो कि सहज सबके लिए उपलब्ध हैं, मृत स्वभाव के हैं और जब से आए हैं विश्वविद्यालय को शीर्ष पर ले जाने के लिए निरंतर कर्मरत हैं। आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व से हम लोग विश्वविद्यालय को आगे ले जाने में सफल हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंच पर उपस्थित हमारे सहयोगी अधिकारी श्री बशीर मोहम्मद जी, वित्त अधिकारी जी, परीक्षा नियंत्रक जी जो परीक्षाओं को संभाल रहे हैं, हमारे सम्मुख उपस्थित अधिष्ठातागण, विभागाध्यक्ष, शिक्षकगण, मीडिया के बंधु, अन्य शहर के सम्मानित नागरिक, छात्र छात्राएं सभी उपस्थित हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और माननीय कुलपति जी के माता जी और पिताजी यहाँ उपस्थित हैं, ये बहुत हर्ष का विषय है कि इस कुल प्रमुख के माता पिता यहाँ मौजूद हैं, तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है इस कार्यक्रम को और इस विश्वविद्यालय को। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम की एक कड़ी में उद्यमिता का उन्नयन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में एक कार्यशाला भी रखी गई है जो महामहिम के द्वारा उद्घाटित होगी। और आपको ये सूचित करना है कि राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के निर्देशों के अंतर्गत NEP हमने पूरी तौर पर लागू कर दी है और NEP की जो विशेषताएं हैं उद्यमिता के संबंध में और स्वावलंबन के संबंध में, वो हम पूरी तरह से उसको लागू कर रहे हैं। और NEP के साथ छात्र छात्राओं के विकास और विश्वविद्यालय के विकास के लिए अग्रसर हैं। आप सभी सभागार में जो भी लोग उपस्थित हैं, सभी लोगों का पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद सर। इस विश्वविद्यालय के स्थापना काल से लेकर इस समय तक जितने भी कुलपति ने नेतृत्व किया है, उन सभी के कर्मों ने अथक प्रयास ने विश्वविद्यालय को गरिमा प्रदान की है। इस संस्था की स्थापना और भी गौरवान्वित हो जाती है जब प्रदेश नेतृत्व इस विश्वविद्यालय को बहुत ही विश्वास के साथ BA जैसी प्रवेश परीक्षा का दायित्व सौंपता है। माननीय कुलपति जी के कुशल नेतृत्व तथा अन्य सभी के अथक प्रयास से एक कीर्तिमान के रूप में अपनी सफलता प्राप्त करता है। कीर्तिमान शब्द से मेरा आशय, परीक्षा के मात्र 15 दिन बाद ही सबसे कम दिन में त्रुटिहीन परीक्षा फल घोषित करना है। यह विश्वविद्यालय आपका नेतृत्व पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा है।
वैज्ञानिक बोध के साथ सांस्कृतिक एवं सामाजिक समन्वय के प्रतिमूर्ति सहज व्यक्तित्व के धनी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति से विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूं कि अपने उद्बोधन से हमारा उत्साह वर्धन करें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चल रहा है, खेलों में चाहे ओलंपियाड की बात करें, एशियाड की बात करें, परचम फैला रहा है। कभी रक्षक बनकर हमारे आने वाले कई संकटों को भी हम टाल देते हैं। किसान से लेकर जवान तक, छोटे उद्यमियों से लेकर बड़े वैज्ञानिकों तक, संसार संचार से लेकर व्यवहार तक हर जगह परिवर्तन उन्नति देखी जा सकती है। चाहे व्यक्ति हो या संस्था, परिवार हो या समाज, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, जब उसकी आकांक्षाएं देश के संकल्पों के साथ जुड़ जाती हैं तो उनकी सफलता देश की उपलब्धियों के साथ जुड़ जाती है। आज इसका मतलब यह है कि देश के शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों की जड़ें शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए जितनी गहरी होंगी, वह राष्ट्र भी उतना ही ऊपर उठेगा। विश्वविद्यालय और देश की भविष्य की आकांक्षाओं के बीच एक इंटरेक्शन होना चाहिए, कोरिलेशन होना चाहिए और एक अंतर संबंध होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक भारत में देशभक्ति की बात की गई है, राष्ट्रहित की बात की गई, चरित्र निर्माण की बात की गई है, इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात की गई है। वो मात्र साथियों बात इसलिए नहीं की गई है कि आपको पढ़ना है, बात इसलिए की गई है कि आप आज का युवा, आज के छात्र छात्राएं, हमारी जो भारतीय संस्कृति, जो विरासत है, उससे आप अपने कनेक्ट करिए, आप अपने आप को एनरिचमेंट करिए, आप अपने आप को एम्पावर्ड होकर फील करिए। आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय भी महामहिम जी आपके आशीर्वाद है, निश्चित रूप से 48 वर्षों में तरक्की की है, उन्नति की है। जब यह विश्वविद्यालय एक बहुत कुछ संस्थाओं वाला था, केवल एक परिसर में चलता था, आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में 365 से अधिक 7 जनपदों की बुंदेलखंड के संस्थाएं एफिलिएटेड हैं। वो 7 जनपदों में 300,000 से अधिक छात्र एवं छात्राएं विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ाई कर रहे हैं। आज इस परिसर में हम यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी एजुकेशन चलाते हैं और यहाँ पर 12,000 से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं। हम कल्पना करते हैं, स्वप्न देखते हैं 2047 की, जब भारत 25 साल बाद अपने 100 वर्ष पूरे करेगा, तो निश्चित ही बुंदेलखंड विश्वविद्यालय भी अपनी 73वीं वर्षगांठ मना रहा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्वप्न देखा है कि 2047 में हम विकसित भारत, समृद्ध भारत एक डेवलप करेंगे, तो उसी के तहत बुंदेलखंड विश्वविद्यालय भी पीछे पीछे चलते हुए हम लोग भी तरक्की, उन्नति, एक नैक NIRF रैंकिंग, QS वर्ल्ड रैंकिंग के बारे में सोच रहे हैं और निश्चित ही जब वो समय आएगा तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय भी बहुत आगे बढ़ेगा। शिक्षा में आप यदि देखेंगे भारत सरकार की नीतियों के बारे में, तो निश्चित ही ये काफ़ी फ्रूटफुल रही हैं। आज भारत के विश्वविद्यालय वर्ल्ड लेवल पर अपनी पहचान बना रहे हैं। हम 2014 की बात करेंगे तो QS वर्ल्ड रैंकिंग में उस समय केवल 12 भारतीय विश्वविद्यालय थे, लेकिन आज बढ़कर भारत सरकार के प्रयासों से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के चमत्कारों से आज ये संख्या बढ़कर लगभग 45 हो गई है। महामहिम राज्यपाल जी को हम ये सूचित भी करना चाहते हैं कि माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी द्वारा आज जो पूरे उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में से कुछ 11 विश्वविद्यालयों का चयन किया गया कि जिनकी मेंटरिंग होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग होती है कि कैसे हम स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को वर्ल्ड लेवल पर लो जाएं, वो 11 विश्वविद्यालयों में महामहिम जी ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को चयन कर अपना आशीर्वाद प्रदान किया। भारत देश के विभिन्न शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय में अपनी विशिष्ट पहचान के लिए उत्सुक एवं प्रयत्नशील हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, छात्र संख्या अनुपात और प्रतिष्ठा के मामले में तेजी से सुधार कर रहा है और इस सबके पीछे आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय
का स्थापना दिवस है। वक्ता सभी बोलते रहे, आप लोग तालियां बजाते रहे। लेकिन स्थापना दिवस का उत्साह दिखता नहीं था। स्थापना दिवस पर तो जितना उल्लास होना चाहिए, चाहे वर्तमान के छात्र हो, चाहे एलुमनाई हो, चाहे आमंत्रित अतिथि हो, उन सभी लोगों को कम से कम आज बुंदेलखंड में उत्साह तो दिखना चाहिए। शायद हो सकता है दिख जाए। 15 मिनट हम विलंब से चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मिनट टू मिनट मैं प्रयत्न ये करूंगा कि जितना मुझे समय दिया गया है वो 40 पर खत्म हो जाएगा, लेकिन 5 मिनट और आपसे लूंगा। हमारे साथ संसद में रहे ओजस्वी वक्ता तथा संसद में भी हम सभी लोगों को च्यवनप्राश का सेवन कराने वाले। श्री अनुराग शर्मा जी, मेरे विश्वविद्यालय के पुराने मित्र, उसी विश्वविद्यालय में शिक्षक रहे, विभाग के अध्यक्ष भी रहे और आपके विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे, जिन्होंने मुझे यहां बुलाने का कार्य किया था, श्री सुरेंद्र दुबे जी, जिनको आपने सुना अपने विश्वविद्यालय के यशोगाथा को भी जिन्होंने बताने का प्रयत्न किया, इस विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति श्री मुकेश पांडे जी, कुलसचिव विनय कुमार सिंह जी, वित्त अधिकारी वशी मोहम्मद जी, परीक्षा नियंत्रक राम बहादुर जी, विभिन्न संकायों के संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, आचार्यगण, विश्वविद्यालय के कर्मचारी मित्रों, सभी आगंतुकगण, पत्रकार मित्रों, देवियों तथा सज्जनों, सचमुच झांसी वह स्थान है जो कभी बचपन के मनु से लेकर के और लक्ष्मीबाई तक बनने का एक संस्कार देता रहा है। लखनऊ में हम लोगों ने अपने समय में झलकारी बाई की मूर्ति की भी स्थापना किया था। तात्या टोपे को कोई भी भूल नहीं सकता है। झांसी है बुंदेलखंड का भाग, लेकिन मराठों के इतिहास को पूरी तौर पर अगर किसी ने अपनाने का काम किया था तो झांसी ने किया था। इस नाते मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि मैं आज आप लोगों के बीच में हूं और उस अवसर पर हूं
जब बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस है। इस प्रेक्षागृह के भवन में प्रवेश करने के साथ ही साथ मैंने छात्रों के कृति को भी देखा। अगर दो तीन दिन पहले लोग टकटकी लगा करके चंद्रयान के चंद्रमा पर उतरने की प्रतीक्षा कर रहे थे तो विज्ञान के विद्यार्थी टीवी पर बैठे थे, लेकिन उनसे कहीं कम वह नहीं थे जो नहीं टीवी पर बैठ सकते थे। तो चंद्रयान उतरे जरूर, इसके लिए यज्ञ और पूजन करने का काम कर रहे थे, हवन करने का काम कर रहे थे। हर धर्म के लोगों ने अपने तरीके से यह संकल्पना लिया कि चंद्रयान तीन उतरे जरूर। उसका मुख्य कारण था कि विश्व की शक्तियां, जिन लोगों ने भारत को कभी सपेरों का देश कह दिया था, जिन्होंने वेदों को गरेड़ियों का भाषा कह दिया था, दो दिन पहले रूस का विमान ध्वस्त हो चुका था। भारत के लोगों का उत्साह था कि तो अब मेरा विमान जरूर उतरेगा। अगर नहीं उतरता 16,000 करोड़ डाले तो हम उस श्रेणी में खड़े हो जाते, और जब उतर गया तो आज विश्व का वो पहला देश बन गया जिसने दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा अपना पहला यान उतारने का काम। चौथा वह देश बन गया जो पूरे विश्व के विकसित राष्ट्रों को चौथी देते हुए ये कहा कि हम सपेरों के देश नहीं है, हम कड़ाद की भाषा में बोलते हैं, जिसने ऋषि के रूप में इस नक्षत्रों की गणना करने का काम किया था। इस नाते मित्रों, हमने अंग्रेजों को यहां से भगाने का काम किया था, अपने दुधुए बच्चे को पीठ पर लेकर के लक्ष्मीबाई की तलवार चमकती थी और उसने व्रत लिया था कि मेरे जीते जी मेरे शरीर को अंग्रेज नहीं छू पाएंगे, तो उस वीरांगना ने सिद्ध कर दिया कि उसके जीते जी अंग्रेजों ने उसके शरीर को छूने का काम नहीं कर पाया। झांसी है, स्वाभाविक रूप से उत्साह का क्षेत्र है, नगरी है। अभी मैं जब हेलीकॉप्टर से आ रहा था प्रयागराज से, तो अनुराग जी को मैं बता रहा था, अनुराग जी झांसी बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि ऊपर से सब दिखाई दे रहा था, वैसे सड़क से जाए तो नहीं दिखेगा। मैंने इनसे कहा कि अनुराग जी झांसी बहुत बड़ा हो गया। मैंने झांसी को उस रूप में देखा था जब मैं यहाँ उत्तर प्रदेश शासन में मंत्री रहते हुए यहाँ का बुंदेलखंड मतलब झांसी कमिश्नरी का प्रभारी था। राजनाथ जी और मैं दो लोग प्रभारी थे। तब का झांसी और आज के झांसी में बहुत अंतर हो गया है। मुझे आज प्रसन्नता हुई कि प्रगति के पथ पर आप बहुत आगे बढ़ चुके हो। इस नाते मित्रों, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, देखिए हम लोगों को मिलता है लिखकर के भाषण, कुछ प्रोटोकॉल होता है, लेकिन आज मैं समझ नहीं पाया कि मैं इसको देख के पढ़ूं या अपने आप को। लक्ष्मीबाई के त्याग और बलिदान ने
देने वाले, जर्मनी को शिकस्त देने वाले दद्दा ध्यानचंद की हॉकी ने मुझे इसको पढ़ने पर नहीं बल्कि खुल करके बोलने के लिए कहा। समय नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से अपने समय से 5 मिनट जो और लिया था तो 5 मिनट बचा है। अनुराग जी कह रहे थे कि कुछ लोग चंद्रयान के संदर्भ में बात भी कर रहे थे, लेकिन जब मैंने वहां चित्र देखा है जो बच्चों ने बनाया है, रॉकेट को साइकिल पर जाते हुए भी देखा है और चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर उतरते हुए भी देखा है, कभी बचपन में हम लोगों की माताएं इस बात को कहा करती थी चंदा मामा दूर के, याद है ना? आज चंदा मामा को दूर की बात नहीं रह गई, आज चंदा मामा के पास हम खुद ही पहुंच गए। और हमने ये कहा कि चंदा मामा कभी आप दूर थे, लेकिन भारत ने अपने कृतित्व से, भारत के वैज्ञानिकों ने अपने कृतित्व से, इसरो ने अपने कृतित्व से, और चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बीच में जो संकल्प इस देश के प्रधानमंत्री ने लिया, प्रत्येक दिन अपने वैज्ञानिकों से बात कर कर करके उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि हम असफल जरूर हुए थे लेकिन टूटे नहीं थे। और अगर नहीं टूटे थे तो हम संकल्प के धनी हैं और हम संकल्प लेकर के चलते हैं कि चंद्रमा पर उतरेंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री ने प्रत्येक दिन अपने वैज्ञानिकों से बात कर कर करके, वह दृश्य भी आपने देखा होगा जब भारत के प्रधानमंत्री चंद्रयान 2 के कुछ सेकेंड के अंतर से न उतर पाने के नाते जब रोने लगे थे उस समय के निदेशक, तो अपने कंधे पर लेकर के उनके शीश को, उनके पीठ को जिस तरह से सहला रहे थे, थपथपा रहे थे, उन्होंने कहा कि केवल कुछ सेकंड की देर हुई है लेकिन हम आगे जरूर पहुंचेंगे। और पहुंच करके दिखा दिया। तो आज पूरा विश्व जहां 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को पूरा होते हुए देखा, 140 करोड़ देशवासियों का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा होते हुए देखा, उसको मैंने यहां पर चित्रों में वर्णित छात्रों के तुलिका को देखा है। उन्होंने किस प्रकार से संकल्प भारत का होता है इसको दर्शित करने का काम किया है, दिखाने का काम किया है। आप कहां विश्वविद्यालय बढ़ रहा है, मुकेश पांडे जी ने बताया कि मैंने ये कोर्स कर दिया, ये कोर्स कर दिया, ये कोर्स कर दिया। अरे हम तो उसकी बात कर रहे हैं। मैं काशी में था, फिर कल ही प्रयाग में एक कार्यक्रम मैंने किया। मुझे याद है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक वैद्य थे, वैद्य सत्यनारायण शास्त्री जी। वैद्य सत्यनारायण शास्त्री जी आयुर्वेद के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे और वैद्य सत्यनारायण शास्त्री जी को नियुक्त करने का काम पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। जब लोगों ने पूछा था कि वैद्य जी के पास तो कोई डिग्री ही नहीं है, तो एक व्यक्ति की नाड़ी पकड़ा करके, जब उन्होंने कहा था डिग्री नहीं है, उनकी नाड़ी पकड़ा करके सत्यनारायण शास्त्री से उन्होंने ये बता दिया कि आप अपने घर से आए हो तो क्या क्या खा करके आए हो। और उतना ही नहीं, उन्होंने कहा देखिए जब घर से चला जाता है तो बड़े प्रसन्न मन से चला जाता है, पत्नी से लड़के नहीं चला जाता है। और जब यह बात सत्यनारायण शास्त्री जी ने कहा था
तो मालवीय जी ने उनसे पूछा किसी और डिग्री की आवश्यकता है क्या? ऐसे ऐसे लोगों के को स्थापित करके पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। डिग्री नहीं, अनुभव चाहिए। और भारत ने, जिन देशों ने उसको ये कहा था कि ये तो सपेरों का देश है, जिन देशों ने यह कहा था कि वेद तो गड़ियों की भाषा है, जिस जर्मनी ने कहा था, जिस मैक्स मुलर ने कहा था, उसी मैक्स मुलर के जर्मनी ने वेदों पर शोध करके यह सिद्ध कर दिया था कि नहीं, वेद जो भारत से आया है वही पूरे विश्व की भाषा होनी चाहिए, कुछ और नहीं। इस नाते आज आपके स्थापना दिवस पर मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। अनुराग जी को इस नाते भी शुभकामना देता हूं कि उन्होंने बताया है कि एलुमनाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आपको इस नाते बधाई देना चाहता हूं कि कुर्सियों में धस करके बैठे नहीं है, थोड़ा उत्साह दिखाए हैं। विवेकानंद जी ने कहा था, विवेकानंद जी ने यह कहा था कि बढ़ते चलो, तब तक बढ़ते चलो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त मत करो। आप सभी का लक्ष्य है बुंदेलखंड को विकसित बुंदेलखंड बनाना, और विकसित बुंदेलखंड तब बनेगा जब बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ऊर्जा चारों तरफ फैलेगी। उस ऊर्जा से प्रकाशित होने वाले लोग बुंदेलखंड के विकास की गाथा लिखेंगे, जैसे लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता का एक गाथा लिखा था, ध्यानचंद ने अपने खेल के माध्यम से गाथा लिखा था, वैसे आप सभी लोग जो अध्यापक हैं, प्राध्यापक हैं, कर्मचारी हैं, हर प्रकार की लड़ाई को छोड़ करके सिर्फ बुंदेलखंड के विकास की गाथा को लिखने के लिए संकल्पबद्ध हो जाइए, निश्चित रूप से बुंदेलखंड के विकास की गाथा आपके माध्यम से लिखी जाएगी, बढ़ जाएगी और बुंदेलखंड पूरा विकसित हो जाएगा। मैं आज आपके इस स्थापना दिवस पर इतना ही शुभकामना देकर के अपनी बात को पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मातरम, मातरम। अपने आत्मविश्वास हम करके दिखा सकते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत बार आगे साइंस को बढ़ाने के लिए काम किया जाता है, बट टेक्नोलॉजी प्रूफ भी लाया जाता है, उसकी बहुत जरूरत है। एक आत्मविश्वास की हम लोगों को दबा के रखा, तो उन्होंने सबसे पहले हम पे आक्रमण किया, तो हमारे आत्मविश्वास पे किया, हमारे संस्कार पे किया, हमारे धर्म पे किया। आज जब हम चंद्रमा पे पहुंचते हैं तो हम उन सब चीजों को नकार देते हैं, हम सब चीजों को पीछे छोड़ते हैं। आज हम एक बार फिर से पुनः अपनी संस्कृति, अपने विज्ञान, और विज्ञान ये आज का नहीं, ये आर्यभट्ट जी के जमाने का विज्ञान है। इस देश में इतना पुराना विज्ञान है कि हमको ये वापस लाने की जरूरत है कि हमारे वहां कितना रिसर्च होता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नई एजुकेशन पॉलिसी लाई, उसमें एक और विशेषता है, वो विशेषता ये है कि आज यूनिवर्सिटीज प्राइवेट कंपनीज के साथ आगे काम कर सकती हैं, हमारे साथ अग्रीमेंट साइन कर सकती हैं और हम उन अग्रीमेंट्स को कमर्शलाइज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया, मेरे जो युवा छात्र पीछे बैठे हुए हैं, कि अगर आप रिसर्च करेंगे, वो रिसर्च पेपर आप पब्लिश करेंगे, उस रिसर्च को आप आगे
कमर्शलाइज करना चाहेंगे, मतलब उस रिसर्च को आप आगे स्थापित करेंगे, पेटेंट लेंगे, उस रिसर्च को आप आगे बढ़ाना चाहेंगे, कोई प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे तो प्रोडक्ट बना के आप उसको बेचना चाहेंगे, तो उसमें भी यूनिवर्सिटीज इंक्यूबेशन सेंटर्स की तरह काम कर सकती हैं और प्राइवेट कंपनीज हम आपके साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। ये कार्य मुझे बहुत खुशी है इस बात की बताने में कि मेरी कंपनी ने बैद्यनाथ ने ऑलरेडी शुरू कर रखा है। हमने पहला अपना पेटेंट इंटरनेशनल पेटेंट लिया था तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ प्रोफेसर दुबे के साथ, आज भी वो पेटेंट हमारा एग्जिस्ट करता है, आज भी वो पेटेंट के वो हिस्सा है। अगर आप देखेंगे विदेशों में तो अमेरिका का जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ वो दो कारण वजह से हुआ, एक ईस्ट कोस्ट और एक वेस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी, वेस्ट कोस्ट पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। जितनी रिसर्च MIT हार्वर्ड जितनी फेमस यूनिवर्सिटीज ने करी उसका जाकर वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन में इस्तेमाल किया। ऐसे ही आज हिंदुस्तान इतने बड़े हम उस जगह पर बैठे हैं कि हम यहां से जो रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में हम सस्ते में रिसर्च कर लेते हैं, हमारे पास साइंटिस्ट है, हमारे पास प्रोफेसर्स, हमारे पास बच्चे जो बहुत मन लगा के पढ़ते हैं और मन लगा के रिसर्च करते हैं। अगर हम उस चीज का सही उपयोग आगे करेंगे तो ये देश कभी रुकेगा नहीं, कभी थकेगा नहीं, हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। और जैसे आदरणीय कुलपति महोदय ने कहा था कि हम $5 trillion की इकोनॉमी बनाने में साबित कर सकेंगे। 29 तारीख को खेल दिवस, मैं आप सबसे भी आग्रह करता चले जाऊंगा, उस दिन जरूर स्मरण करिएगा झांसी के सबसे महान पुत्र दद्या ध्यानचंद जी का। 29 को हमने 18 ओलंपियंस को झांसी बुलाया, उनको सम्मानित करने जा रहे हैं, और विश्व का सबसे पहला हॉकी का म्यूजियम भी उस दिन अपने मुख्यमंत्री जी के कर कलमों के द्वारा उसका भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। क्या हुआ? तो झांसी आप देखेंगे कि कहीं पर भी हमारे बच्चे जाते हैं, कहीं पे भी झांसी के लोग, बुंदेलखंड के लोग जाते हैं तो हमारा नाम उजागर करते हैं। चाहे इसरो में मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए, उससे पहले हमारे इतिहास के एग्जाम्पल दिए थे, और उसी श्रृंखला में चीज कहते चले जाऊंगा। मेरा आज सौभाग्य मेरे आगे स्वीकार, हम यूनिवर्सिटी में एक नया सेंटर अपने मेरे परम माननीय श्रद्धेय पिताजी के नाम से खोलने जा रहे हैं, उसकी बिल्डिंग कार्य चैनों में शीघ्र चालू करवाऊंगा। वो बुंदेलखंड कल्चरल एंड रिसर्च सेंटर एक इंस्टीट्यूट बनाने जा रहे हैं जहां बच्चे चाहे और पढ़ने आए पर वहां पे भी कोर्स कर सके। इसमें बुंदेलखंड की हर परंपरा, हमारे संस्कार, हमारे इतिहास, हमारी भाषा, हमारा व्यंजन, हमारा नृत्य अनुसंधान हो सकेगा। और इसमें जब आप पढ़ेंगे या कोई भी थोड़े दिनों के लिए सीख, और उसके भी मैं आग्रह कर चुका हूं कि इंस्टीट्यूट के लिए दे देंगे, तो हम जब इंस्टीट्यूट स्थापित कर पाएंगे यहाँ पर, जब चालू हो जाएगी तब आप लोगों को क्रेडिट मिलेगी, व्यवस्था होगी, तो आप जो भी कोर्स करें, चाहे आप बिजनेस करने आए, एग्रीकल्चरल साइंस में काम करो या अर्थ साइंस में काम कर रहे हो, आपको उसमें कोर्स का लाभ ले सकेंगे, कोर्स में क्रेडिट मिलेंगे जो आपको आपकी डिग्रीज और डिप्लोमा में दर्शाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जी का, आदरणीय कुलपति जी का, आदरणीय दुबे जी का फिर से बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने मेरे को, मेरे परिवार को ये फिर से एक मौका दिया कि हम ऐसा एक सेंटर यहाँ पर अपने बुंदेलखंड के इतिहास को, हमारी अपनी परंपराओं को बढ़ाने के लिए एक स्थापित कर सकें। जय हिंद, जय भारत। अपना हस्ताक्षर प्रदान किया। हम महामहिम राज्यपाल
को ये भी बताना चाहते हैं कि ये ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था, पूरे छात्र एवं छात्राएं थे, पूरे शिक्षक थे। इसरो के द्वारा जो कॉस्ट किया जा रहा था उसको हमने यहीं पर सभी लोगों को दिखाया और सब लोग सब लोग उसको ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे डिजाइन एंड डेवलपमेंट में वही छात्र छात्राएं इन्वॉल्व रहे हों। निश्चित भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब वो दिन देख रहे हैं कि चंद्रमा को मस्तक पर सुशोभित करके अब समय है सूर्य नमस्कार का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि बहुत जल्दी ही इसरो ने एक नए प्रोजेक्ट आदित्य L1 सैटेलाइट जो कि ऑलरेडी रॉकेट से टेक ऑफ कर दिया गया है, सितंबर के पहले सप्ताह में भी आदित्य L1 की लॉन्चिंग की जाएगी जिससे हम सूर्य के और गहन अध्ययन उसके इतिहास को देख सकें। आज का मौका एक और वजह से भी खास है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने अपने 48 साल ऐसे समय पूरे किए हैं जब देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 76 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। कोई भी देश हो, उसके विद्यालय हो, उसके शैक्षणिक संस्थान हो, निश्चित उपलब्धियों का सच्चा प्रतिबिंब होते हैं। इन 48 वर्षों में बुंदेलखंड यात्राओं कई भी आए, कई संघर्ष भी रहा, कई सफलताएं भी रही। हम इसमें अनेकों शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों, छात्रों और कई अन्य लोगों का, बड़े बुजुर्गों की शुभकामना का योगदान रहा है। इस तरह से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय सिर्फ एक विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में एक शिक्षा का केंद्र बनकर उभरा है, क्योंकि 48 वर्ष पूर्व निश्चित ही यहाँ पर उतनी संस्थाएं या कोई विश्वविद्यालय नहीं था। तो आज इस बारे में माननीय सांसद जी जो कि यहीं के निवासी हैं बहुत अच्छे से रोशनी डाल सकते हैं। इस विश्वविद्यालय ने पिछले 48 वर्षों में हर पल को जिया है, हर मोमेंट को जिया है, हर मोमेंट में एक जान डाल दी है। इस विश्वविद्यालय ने इन 48 वर्षों में अपने जुनून, अपने पैशन को जिंदा रखा है, अपनी लाइफनेस को इग्नाइट किया है और अपने मूल्यों को भी जीवित रखा है। विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य है अमृतम अश्नुते। अमृतम अश्नुते मतलब आप समझते हैं कि विद्या ही अमृत और अमृत तक लेकर जाती है। ये भी कहा जाता है कि काशी को भी मोक्ष की नगरी कहते हैं। उसके पीछे भी ये लोगों की एक जो किंवदंती है, जो भावना है कि जिस प्रकार अमृतम अश्नुते है, विद्या के द्वारा ही अमृत को प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार काशी ही में भी ये कहा जाता है कि काशी में ज्ञान और विज्ञान को ही परम श्रेय माना गया है और हम यदि मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ज्ञान और विद्या के माध्यम से हम कर सकते हैं। ज्ञान वाने भी ज्ञान वाने बलवान तस्मात ज्ञान मयो भवा। अर्थात हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे वेदों में, उपनिषदों में बहुत इस चीज का वर्णन है कि जिसके पास ज्ञान है वही खुश है, वही शक्तिशाली है। वास्तव में ज्ञान वाला ही अंत में विजय होता है। इसलिए जब भारत में सैकड़ों वर्षों पूर्व नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे तो भारत सुख और समृद्धि, चेयरफुलनेस एंड प्रॉस्पेरिटी के मार्च पर था, उसके शिखर पर था। जब तक्षशिला जैसे संस्थान थे तब भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पूरे वर्ल्ड को लीड किया। भारत की एम्पावर्ड एजुकेशन सिस्टम ही भारत की समृद्धि का वाहक थी। ये वो समय था जब दुनिया की GDP में भारत की अच्छी खासी हिस्सेदारी थी। भारत एक सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद, आक्रांताओं के आक्रमण के बाद भारत कुछ वर्षों तक गुलाम रहा और हमारे शिक्षा के केंद्र जो कि एक पावर हाउस माने जाते थे, फैक्ट्री ऑफ नॉलेज माने जाते थे, शिक्षा के मंदिर जो स्पिरिचुअलिटी का सेंटर माने जाते थे, एक स्पिरिचुअलिटी का ट्रांसमीटर माने जाते थे, नष्ट कर दिए गए। और जब भारत का बौद्धिक प्रवाह रुक गया तो भारत का विकास भी रुक गया, लेकिन भारत ने अपनी संस्कृति, विरासत, ज्ञान परंपरा और जीवन मूल्यों के आधार पर अपने विकास की तीव्र गति से आगे बढ़ाया। आज भारत दुनिया के टॉप लीडिंग कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम सभी ये भी जानते हैं कि भारत जो सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रहा, आज पूरे भारत की इकोनॉमी 5वें नंबर की पूरे विश्व में इकोनॉमी है और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये संकल्प भी लिया गया है कि आने वाले 2030 तक
भारत की वर्तमान इकोनॉमी 3.9 ट्रिलियन डॉलर है, उसको 5 ट्रिलियन डॉलर किया जाएगा और भारत निश्चित ही ये बहुत लंबी छलांग लगाते हुए पांचवें स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंचेगा। भारत ने यह जो लंबी छलांग लगाई है उसमें निश्चित ही हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं, हमारी संस्कृति है, जीवन मूल्य है। भारत ने अपने ज्ञान के आधार पर इस विकास यात्रा को रीस्टार्ट किया, रीस्टार्ट करने के बाद उसको एक्सेलरेट किया, बहुत तेज किया। शायद इसलिए यह भी कहा गया है कि ना चोर हार्यम, ना हक, ना राज हार्यम, ना भ्रत भाज्यम, ना चा भारकारी, व्यय कृते वर्धति नित्यम, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। यहाँ भी ये जोड़ दिया गया है कि एक ऐसा जिसको चुराया नहीं जा सकता, जिसे कोई छीन भी नहीं सकता, जिसके भाइयों के बीच बंटवारा भी नहीं होता, जिसे संभालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, वो जोर खर्च करने पर और अधिक बढ़ता है, वह धन विद्या है, विद्या सर्वश्रेष्ठ धन है। युवा साथियों, छात्र एवं छात्राओं, वो जो विद्या का धन आपको प्राप्त होना है वो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से ही प्राप्त होना है। हम ये मानते हैं कि ज्ञान तो एक गंगा प्रवाह है जो शुद्ध है, साफ है, कंचन है, निरंतर है, ये प्रवाह चलता रहता है, हम आगे बढ़ते जाते हैं, संस्थान तरक्की करते हैं, देश तरक्की करते हैं और समाज तरक्की करता है। लंबी गुलामी के बाद देश को आज़ादी मिली, हम आज़ाद हुए 1947 में और अमृत महोत्सव भी मनाया, और ये जो स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई हुई या भारत को आज़ादी मिली, निश्चित ही इसमें भारत के संस्थानों ने और विश्वविद्यालयों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अतीत को समझना हमारे अस्तित्व को आकार देता है, आदर्शों को रेखांकित करता है कि वे अपने उद्बोधन से हमारे सभी अतिथिजन का स्वागत करने की कृपा करें। मैं आपको एक और सूचना दे दूं, मैं आपके एल्युमनाई का भी प्रेसिडेंट हूं। क्या बात। और एल्युमनाई का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हम लोग कभी विश्वास नहीं करते थे कि झांसी के कभी छात्र या छात्राएं बुंदेलखंड से इसरो में जाकर हम लोगों का नाम रोशन करेंगे। क्या बात। सुष्मिता राज बहादुर जी यहाँ पे बैठे, बहुत सारे मेरे मित्र हैं, मेरे पूर्व